In a class, there are 7 students, including boys and girls A, B, C, D, E, F, and G. They sit on 3 benches. 3 benches: bench number 1, bench number 2, bench number 3. Such that at least 2, minimum jo students ki tadad hogi, wo 2 hai, jisme at least girl ki tadad jo hogi, wo 1 hogi. See who is a girl student. C girl hai. Does not sit. A जो है वो girl होगी, जिसको हम दायरे से शो कर लें, girls को हम दायरे से शो करेंगे. See who is a girl. C does not sit with A, E and D. F the boy. F जो है वो boy है. Sits only with B, यानी कि F plus B. अगर F जो है वो boy है तो B जो है वो girl होगी, क्योंकि यहाँ पर लफ्ज़ आ रहा है only B, B के, सिर्फ B के साथ, यानी कि अब यहाँ तीसरा बंदा कोई नहीं आएगा. तो कंडीशन के मुताबिक at least 1 girl होनी चाहिए और मिनिमम 2 की तादाद हो सकती है. तो 2 स्टूडेंट एक बेंच पर बैठेंगे, उनमें से एक F और B होगा, इनके अलावा तीसरा कोई नहीं होगा इस कंडीशन के मुताबिक. तो F अगर बॉय है तो B गर्ल होगी. A sit on the bench 1. A जो है वो बेंच नंबर 1 पर है. And G sits on bench 3. G जो है वो bench 3 पर. E is the brother of C. E जो है वो ब्रदर है सी. इसका मतलब है सी ऑलरेडी गर्ल है, तो ब्रदर है ई जो है वो बॉय होगा. अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इस कंडीशन से, यानी कि एफ और बी ने दोनों ने एक बेंच पर बैठना है और इसके अलावा इन दोनों के अलावा उस पर तीसरा कोई नहीं होगा. तो इसका मतलब है 1 और 3 पर तो ये नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ए और जी मौजूद हैं. तो ये लाजमी तौर पर सेकंड बेंच पर आएंगे, एफ और बी, ये दोनों यहाँ आ गए. अब हमारे पास जो बाकी हैं उसमें हम सी को देखते हैं. सी जो है वो ए के साथ नहीं आ सकता, यानी कि बी बेंच नंबर 1 पर सी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ ए है और ए के साथ सी ने नहीं आना इस कंडीशन के मुताबिक. इसलिए सी जो है वो जी के साथ बैठेगी. ये गर्ल है तो ये बॉय होगा. अब हमसे पूछा गया है कि हु सिट्स विद सी. सी के साथ जी ने आना है. अब आप देखें कि बाकी जो बचता है वो है ई और डी. ई और डी यहाँ पे आ ही नहीं सकते वो, क्योंकि सी के साथ ए और डी ने नहीं आना, तो इसलिए वो ई और डी यहाँ पर जाएंगे. तो सी के साथ सिर्फ जी आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है. इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी.